Now I come to what everyone is waiting for. मैं अब वो बताना चाहती हूँ जिसका सबको इंतजार है. Personal income tax. व्यक्तिगत आयकर. I have five major announcements to मुझे पांच प्रमुख घोषणाएं करनी है इस बारे में. ये मुख्यतः हमारे परिश्रमी मध्यम आय वर्ग के लिए है, के लाभ के लिए है. जो पहली घोषणा है वो रिबेट से संबंधित है. वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं. मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ. इस प्रकार नई व्यवस्था कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा. जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा. दूसरा प्रस्ताव मध्य वर्ग के आय वर्ग से संबंधित है. मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू करते हुए 6 आयकर लय वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी. मैं स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ. कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी: 0 से 3 लाख, 0, 3 से 6 लाख, 5%, 6 से 9 लाख, 10%, 9 से 12 लाख, 15%, 12 से 15 लाख, 20%, 15 लाख रुपए से ऊपर 30%. इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी. 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूँ. प्रत्येक वेतन भोगी व्यक्ति जिसकी आय 15.5 लाख रुपए या इससे अधिक है को परिणाम स्वरूप 52,500 रुपए का लाभ मिलेगा. मेरी चौथी घोषणा हमारे देश की अधिकतम कर दर जो कि 42.74% है से संबंधित है. यह विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक है. मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करती हूँ. इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी. अंततः गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नगदीकरण पर 3 लाख रुपए तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2002 में नियत की गई थी, जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह था. सरकारी वेतन वृद्धि के अनुरूप मैं इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करती हूँ. हम डिफॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में नई कर व्यवस्था भी बना रहे हैं. तथापि नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रहेगा. इनके अलावा मैं अनुबंध में दिए गए अनुसार कुछ और परिवर्तन भी कर रही हूँ. इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप लगभग 38,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष करों के तथा 1,000 करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष करों के राजस्व को परितक्त किया जाएगा.